जय हिंद दोस्तों। तो आज केमिस्ट्री का पेपर आप लोगों ने दिया होगा और आई होप कि पेपर बहुत अच्छा गया होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं लगातार कि पेपर बहुत इजी नहीं था, मॉडरेट था। ठीक है, तो चलिए अब जो हो गया हो गया, लेकिन अभी अगला पेपर फिजिक्स का है। और फिजिक्स का पेपर तैयार कैसे करें और अभी इतने कम टाइम में, आज 5 तारीख हो गई और लगभग लगभग 3 या 4 दिन बचे हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में बहुत ही एनालिसिस करने के बाद, पिछले 10 साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को खंगालने के बाद, छांट के ढूंढ करके निकालने के बाद कुछ बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स लाए हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स में बिल्कुल शॉर्ट टाइम में हम अच्छा स्कोर कैसे करें, कैसे हम एक अच्छा मार्क्स यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं और क्या क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम पढ़ें। तो जैसा कि आपको पता है, सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए हमने आपको पुरानी वीडियो में बता ही रखा दोस्तों कि सेक्शन ए जो है उसमें 14 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स के ईच होंगे, जिसमें आखिरी के 4 क्वेश्चन असर्शन रीजन से बेस्ड होंगे। तो वो आपको पता ही है 1 1 मार्क्स के। असर्शन रीजन के क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने हैं आप हमारे चैनल पर जाके देखें, वहाँ पर ऑलरेडी एक वीडियो है कि फिजिक्स में असर्शन रीजन कैसे अटैम्प्ट किए जाए। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर के आप उसको देख लीजिए अगर आपने पर नहीं देखा है। वैसे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, तो वहाँ से भी आप जाकर के देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। जब आप आगे बढ़ेंगे सेक्शन बी की तरफ, तो सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे जो केस स्टडी बेस वाले क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इसके वीडियो आप लोग को बहुत जल्दी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा और हो सकता है कि जल्दी से जल्दी आपके बीच में वीडियो भी लेकर के मैं आ जाऊं। लेकिन जब हम सेक्शन ए सेक्शन बी कवर अप कर लेते हैं और जब हम सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं, तो सेक्शन सी से लेकर के और सेक्शन ई तक, है ना, यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं वो शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं। तो सर इनमें दिक्कत आएगी, असर्शन रीजन तो टिक करने वाला है, वो तो हम कर ही लेंगे सर ना। तो देखिए दोस्तों, मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, फिजिक्स का पेपर बिल्कुल भी इतना ईजी समझ के मत जाइएगा कि पेपर बहुत ईजी होने वाला है। पेपर ठीक ठाक लेंथ का होगा, ठीक है, और ये समझ के चलिएगा कि पेपर को बहुत तेजी से करेंगे तभी पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप फिजिक्स में 70 out of 70 स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन सी। तो सेक्शन सी से जब हम शुरुआत करेंगे, तो भाई देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ यूनिट्स हैं फिजिक्स में, तकरीबन आप देखेंगे तो 8 से 9 यूनिट्स हमें कवर अप करनी है फिजिक्स के पूरे सिलेबस में। इतना सारा कोर्स एक साथ कवर कर पाना पॉसिबल तो नहीं है, इसलिए मैंने पिछले 10 साल के सैम्पल क्वेश्चन पेपर, बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स और जो भी CBSE के सैम्पल पेपर आए थे उनको एनालिसिस करने के बाद कुछ कुछ टॉपिक निकाल के लाया हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे अगले री एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक की। आप जानते ही हैं यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 दोनों मिला के 16 नंबर कैरी करती हैं। तो यूनिट नंबर 1 में से क्या क्या टॉपिक हैं जो इस शॉर्ट टाइम में हम कवर कर लें सर? देखिए सबसे पहले कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ के जितने भी आपके न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, उनको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, कूलम्स लॉ और उनके न्यूमेरिकल। इसके बाद आप सीधे बढ़ जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक में। इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक में जब आप आ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर कीजिए। स्पेशली एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, इनके नाम भी पढ़ लीजिएगा। और इसमें एक कंडीशन होगी रिंग, किसी रिंग के ऊपर जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके सेंटर से डाइपोल सिचुएशन में आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो भी आप जरूर कवर अप कर लीजिएगा। इसके बाद आप सीधे बढ़ जाइए गॉस थ्योरम की तरफ। गॉस थ्योरम के 4 या 5 एप्लीकेशंस होंगी, एक तो शायद सिलेबस से हट गई है तो बची हैं 4 एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि पिछले 2-3 सालों के सैंपल क्वेश्चन पेपर में मैं देख रहा हूँ लगातार एक एप्लीकेशन जरूर डाल रहे हैं, तो इसको आप जरूर करके जाइएगा, काफ़ी हेल्प होगी। इसके बाद आप इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा, ये आपको 1 1 मार्क्स क्वेश्चन में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में बहुत अच्छे से हेल्प कर देगा। ठीक है, अब आ जाइए आखिरी तरफ कैपेसिटर की। जो कैपेसिटेंस होती है उसके लिए कई डेरिवेशन हमारे साथ हैं, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे सिर्फ 2 डेरिवेशन करके जाएं। कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटेंस की डेरिवेशन, उसमें पहली जब कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी जाती है उसकी डेरिवेशन क्या होगी, और जब आप कंडक्टिंग स्लैब डालते हैं तो उसकी डेरिवेशन क्या होगी, ये जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, कुछ कुछ इसके न्यूमेरिकल पक्का देख लीजिएगा, यानी किसके न्यूमेरिकल, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के न्यूमेरिकल जरूर देख लीजिएगा। और इस यूनिट नंबर 1 में आखिरी टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर को जरूर ध्यान से करके जाइएगा। तो ये 5 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए फटाफट और अपने अपने हिसाब से तैयारी शुरू कर दीजिए। अब आते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। तो यूनिट नंबर 2 को आप स्टार्ट जब करेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का नाम है। यहाँ सबसे पहले आप शुरू करिए किसके किससे, आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में, I=NeAVD, है ना, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, इसको आप डेफिनेटली तैयार करके जाइएगा। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है और इस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इसके बाद आप बढ़ जाइए ओम्स लॉ की तरफ, ओम्स लॉ क्या थे और ओम्स लॉ का डेरिवेशन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ओम्स लॉ अकेले नहीं आएगा, विद डेरिवेशन 100% आ जाएगा एग्जाम में, तो इसको आप तैयार कर जाएं। अब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको किरचॉफ लॉ से सामना होगा दोस्तों। किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल
रेफरेंस जरूर कर लीजिएगा, 100% है, एग्जाम में आने वाला है, किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल डेफिनेटली पढ़ के जाइएगा, बहुत आपको हेल्प होने वाली है। अब इस यूनिट में यानी कि इस यूनिट नंबर 2 में आप लास्ट टॉपिक पे चल रहा हूँ मैं आपके साथ, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज। दोस्तों पिछले 6 सैंपल पेपर जो मैंने देखे हैं सीबीएसई की तरफ से या जो भी आए थे या जो भी बोर्ड पेपर आए थे उनमें पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज लगातार अल्टरनेटली रिपीट हो रहा है, तो पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज को 100% कर लीजिएगा। मैंने अभी तक 2 टॉपिक 100% कहे हैं, किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल पक्का कर लीजिएगा और मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर को भी बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा, बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। तो ये तो हो गई शुरू के 2 यूनिट्स के बाद, आते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ, सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की तरफ आते हैं। दोस्तों इसमें जितने भी लॉ हैं, बायो सेवर्ट लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ है, जितने भी लॉ हैं लॉ सारे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट आंसर में ये आ जाते हैं कई बार तो तंग कर सकते हैं। सोलेनॉइड पढ़िए, टोरॉइड पढ़ लीजिए, जरूर पढ़ लीजिएगा। सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, B=μ0 NI से निकालते हैं, उसकी डेरिवेशन देख लीजिएगा। ऐसा ही फॉर्मूला आप टोरॉइड के लिए भी देखते हैं, डेरिवेशन देख लीजिएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो इस यूनिट में टॉपिक है उसका नाम है फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर। जब 2 पैरेलल वायर होती हैं उनमें करंट फ्लो करता है तो उनका जो फोर्स लगता है बीच में ना, अट्रैक्टिव कब होता है, रिपल्सिव कब होता है, ये कंसेप्ट जो था इसको बहुत बढ़िया कर लीजिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसी में आगे बढ़ेंगे तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ लीजिएगा, सिर्फ थ्योरी है, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। किसी भी स्ट्रेट वायर के अंदर से, अगला टॉपिक सुनिए, किसी भी स्ट्रेट वायर के अंदर से जब हम करंट पास कराते हैं सो इससे आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना लगता है, इसकी डेरिवेशन जरूर कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% इसमें मैं मार्क कर दे रहा हूँ, आप 100% पढ़ के जाइएगा इस चीज़ को, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और इसी का लास्ट टॉपिक यानी यूनिट नंबर 5 में, लगभग चार पाँच टॉपिक में हर आपको यूनिट बता रहा हूँ, बहुत ईजी आसानी से आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। 5वां टॉपिक जो मैं इसमें बता रहा हूँ वो है टॉर्क। किसी करंट कैरिंग लूप के ऊपर जब हम उसको करंट पास कराते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, वो रोटेट करता है, यही कंसेप्ट हम किसमें देखते हैं, यही कंसेप्ट हम देखते हैं किसमें, जनरेटर्स में देखते हैं ना, जब वो टॉर्क लगने पर वो घूमता है इस तरीके से तभी तो करंट जनरेट होता है। तो ये टॉपिक आप यूनिट नंबर 3 में कवर करके जाएं, बहुत आपके लिए हेल्प हो जाएगी। अब आते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट की तरफ। 4-5 टॉपिक यहाँ भी डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले आप इसमें आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, आप सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के सारे कंसेप्ट पढ़ के जाएं और न्यूमेरिकल जरूर पढ़ लें आप इसके, ठीक है, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी इसमें से, इसको आप जरूर पढ़ के चले जाएं। इसके बाद आप सीधे आ जाइए कहाँ पर, अल्टरनेटिंग करंट पे चले आइए। अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में आपको क्या करना है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड ईएमएफ एंड मीन वैल्यू भी पढ़ लीजिएगा, दोनों पढ़ लीजिएगा, वैसे आरएमएस वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको पढ़ के इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल होते हैं, वैल्यू पुट करके फॉर्मूले में आंसर निकल जाता है, इन्हें भी कवर कर लीजिएगा। इसके बाद चले आइएगा आप कहाँ पर, LCR सर्किट का आप जेड निकालते हैं ना, इंपीडेंस निकालते हैं आप, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है जेड निकालते हैं ना LCR सर्किट का, वो पक्का कर लीजिएगा। लेकिन उसके 2 तरीके होते हैं, एक ग्राफिकल तरीका होता है, एक एल्जेब्रिक, तो आई प्रेफर कि ग्राफिकल से करें, छोटा तरीका है, जल्दी निकल जाता है, उसको जरूर कर लीजिए। और इस यूनिट में आखिरी 2 टॉपिक पे बात करूंगा, पहला ट्रांसफार्मर जरूर पढ़िएगा, 100% बता रहा हूँ दोस्तों, कुछ ही टॉपिक को 100% कह रहा हूँ, ट्रांसफार्मर जरूर पढ़ के जाइएगा, 100% ट्रांसफार्मर को पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है, एग्जाम में पक्का आने वाला है। और इस टॉपिक में जो लास्ट, इस यूनिट में जो लास्ट टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है पावर एसोसिएटेड विद LCR सर्किट। इसी LCR सर्किट में कितना पावर हम एसोसिएट कर सकते हैं, इसमें कितना पावर इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से तैयार कर दीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ। यूनिट नंबर 5 है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें कुछ नहीं पढ़ना, केवल एक टॉपिक पढ़ के जाइएगा, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना। इसमें जितनी भी आपके जो स्पेक्ट्रम वेव्स जो होती हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आपकी इनविजिबल वेव्स होती हैं उनके बारे में पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। पूरा का पूरा कंसेप्ट इसमें कुछ नहीं है, इसमें पूरा का पूरा वेव्स के बारे में ही आपको डिटेल से पढ़ लेना है, तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी ये आप पढ़ के जाएंगे, बहुत हेल्प होगी आपको। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ और वो है हमारा यूनिट नंबर 6, दैट इज ऑप्टिक्स। तो दोस्तों ऑप्टिक्स में वैसे तो मैं पर्सनली कहूंगा कि सारा ही पढ़ के जाइए, लेकिन चूंकि समय नहीं है तो अब इसमें मेन चीज़ें क्या पढ़नी है, सबसे पहले आप लेंस मेकर फॉर्मूला जरूर तैयार कर लीजिएगा और लेंस फॉर्मूला भी प्रिपेयर कीजिएगा। देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला अलग है, लेंस फॉर्मूला अलग है, दोनों की डेरिवेशन आपको प्रिपेयर करनी है। रिफ्रैक्शन, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, जब रिफ्रैक्शन हम करते हैं प्रिज्म से ना, जहाँ से आप एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला निकालते हैं, वो एक टॉपिक कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर बेस्ड हमने आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी करा रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो अगर ये अलग से क्वेश्चन आता है तो ठीक, वरना असर्शन रीजन और शॉर्ट आंसर में तो ये आ ही रहा है, वहाँ पर भी आपको हेल्प कर देगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, सारा पढ़ लीजिएगा। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी पढ़ लीजिएगा, ये बहुत हेल्प आपको करने वाला है और ये 100% है कि एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आने ही वाला है,
ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। अब देखिए ऑप्टिक्स में दो पार्ट है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में जब आप पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट हाइगेंस प्रिंसिपल मत छोड़िएगा, इसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रेक्शन का वेरिफिकेशन है। दोनों टॉपिक अच्छे से विद डायग्राम तैयार कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। अब आगे बढ़ जाइए दोस्तों, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE है ना, जहाँ पर हम ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंजेस की जो विड्थ निकालते थे, वो डेरिवेशन पक्का करके जाइएगा। वो डेरिवेशन ही केवल मत कीजिएगा, पूरा कंसेप्ट पढ़ के जाइएगा। पक्का है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन टपकने वाला है एग्जाम में, और आप उसको बड़े आसानी से करके भी आ सकते हैं, ठीक है। अब समझिए, यहां पर एक तो हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक सिंगल स्लिट का कंसेप्ट भी हमारे पास है। सिंगल स्लिट यंग्स डबल स्लिट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं प्रेफर कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जो पेपर्स देखे हैं उनमें पेपर्स में ज्यादातर पेपर्स में सिंगल स्लिट रिपीट हुआ है। तो सिंगल स्लिट पढ़ के पक्का जाइएगा दोस्तों। दोस्तों ये कोई ऐसे वैसे मैंने नहीं बनाई वीडियो, मैंने बहुत देर इसको एनालिसिस किया है। एनालिसिस करने के बाद ये पूरा का पूरा एक मैंने पेज तैयार किया है, जिसमें मैंने अपने पूरे के पूरे एक्सपीरियंस लिखे हैं, जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूं सब चीजें। यही आपको बता रहा हूं कि यही आपको पढ़ करके जाना है, इतने शॉर्ट टाइम में आपको हेल्प कर देगा। और इस टॉपिक में, इस यूनिट नंबर 6 में लास्ट टॉपिक पढ़ लेना, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी पढ़ के आप चले जाइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8 की तरफ। तो ऑलमोस्ट सारा पढ़िएगा, थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, पढ़ लीजिएगा सारा एक बार फटाफट। लेकिन फिर भी आप चाहेंगे नहीं सर फिर भी कुछ बता दीजिए, तो भैया इसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने देखे हैं कि लगातार आ रहे हैं। न्यूमेरिकल्स किस पे? बाइंडिंग एनर्जी के न्यूमेरिकल्स लगातार पूछे गए हैं इसमें से, और बोहर रेडियस की एक डेरिवेशन होगी इसमें, इसको भी आपको प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए लास्ट यूनिट नंबर 9 की तरफ। तो यूनिट नंबर 9 में फॉरवर्ड बायस करंट और रिवर्स बायस करंट कैसे फ्लो करते हैं, इनका सर्किट डायग्राम पढ़ लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें LED, सोलर सेल वगैरह टॉपिक जो है ना, इनको भी तैयार कर लीजिएगा। यानी कि आपको यूनिट नंबर 9 में तीन टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। LED पढ़ना है, सोलर सेल पढ़ना है, और इसमें जो 4-5 डिवाइसेस और थी उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, और फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस करंट का कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर करके जाएं। अब बात करते हैं फटाफट के अंदर में सर, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस किस चीज़ के हैं। ऑप्टिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं, उन्हें प्रिपेयर कीजिएगा, और ये न्यूमेरिकल्स कोई बहुत बड़े नहीं हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने देखे हैं जो लेंस फार्मूला पर बेस्ड हैं, उनसे पूछे गए हैं। इसके बाद मैंने किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल कुछ देख रहा हूं, इनके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा रहे हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्स लॉ से भी उठा करके पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस पूरी वीडियो में जितने टॉपिक आपको बताए गए हैं, मैं लिख के आपको गारंटी देता हूं, अगर आप एक एक टॉपिक को प्रिपेयर करके जाते हैं, आपका फिजिक्स का री एग्जाम बहुत बढ़िया होने वाला है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फिजिक्स का पेपर इजी नहीं आता, लेंदी होता है, समय भी कम है, प्रिपरेशन काफी करनी है। ये वीडियो आपकी पूरी हेल्प करेगी, एक एक टॉपिक पे पूरा फोकस करके पढ़िएगा, बहुत बढ़िया पेपर जाएगा, चिंता मत कीजिए। आप पेपर देके आएंगे तो आप डेफिनेटली वीडियो पे कमेंट करेंगे सर पेपर बहुत बढ़िया चला गया। तो अगर आप लोगों को इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फिजिक्स से रिलेटेड चाहिए, सो इस वीडियो पे जितने ज़्यादा कमेंट्स हो सकते हैं करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की हमारे पास क्लासेस भी चलती हैं, MCQ प्रिपेयर भी हम करा रहे हैं। इसके अलॉन्ग दैट हम आपको लगातार अपडेट भी करते रहते हैं CBSE और पढ़ाई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। तो सब इन सब इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए वीडियो पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।